भारत एक और ट्रॉफी की ओर कदम बढ़ाया, बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाया। जी हाँ, भारतीय वुमेन्स टीम एशिया कप अभी चल रहा है, उसमें भारत की टीम अनबीटेन रहते हुए, मतलब कोई भी मुकाबला अभी तक नहीं हारा है किसी भी टीम से, और फाइनल में जगह बना लिया। जी हाँ, फाइनल में जगह बनाने के बाद बांग्लादेश बाहर हो गई है टूर्नामेंट से, और एक तरफ से फाइनल में या तो श्रीलंका या तो पाकिस्तान आएगी। अगर पाकिस्तान आती है तो फिर से भारत पाकिस्तान को हराएगी, और एक महीने में चौथी बार भारत पाकिस्तान को हरा देगी अगर फाइनल में एक तरफ से पाकिस्तान आती है तो। क्रिकेट का जन्म भले ही अंग्रेजों ने किया होगा, क्रिकेट को पैदा भले ही अंग्रेजों ने किया होगा, लेकिन क्रिकेट को जो पोष पाल कर बड़ा करने का जो काम किया है वो हमारा भारत किया है, वो हमारा इंडिया किया है। क्रिकेट भारत में एक धर्म के बराबर माना जाता है, क्रिकेट नहीं तो कुछ भी नहीं। हर इंसान क्रिकेट के बदौलत खुश होता है। 140 करोड़ जनसंख्या है भारत का, जिसमें हमको लगता है कि 100 करोड़ जनसंख्या जरूर से जरूर क्रिकेट देखती होगी और समझती होगी। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जो भारत अभी क्रिकेट में डोमिनेंसी पॉलिसी अपनाई हुई है, कहीं खेला दीजिए, किसी भी टीम से खेला दीजिए, कितना भी कोई हाथ पैर मार ले सामने वाली टीम, भारत चित कर ही देती है अगले टीम को, चाहे वो वुमेन्स टीम हो, चाहे वो मेन्स टीम हो, चाहे वो लीजेंड की टीम हो। इतनी क्रिकेट के प्रति यहाँ समर्पित है लोग, अगर उस समर्पण को अगर किसी और चीज में लगाया जाए, जिस शिद्दत से भारतीय टीम क्रिकेट के प्रति जाती है, दुनिया के किसी भी चीज को अचीव कर सकती है, जितना मेहनत भारत क्रिकेट पर करती है। और करे भी क्यों ना भाई, क्रिकेट से तो पूरा पैसा बनता है, पूरा नेम फेम बनता है, लाइमलाइट बनता है। तो अंग्रेज तो क्रिकेट को जन्म दिया, लेकिन उसको बड़ा करने का, उसको पूरा वर्ल्ड लेवल पर लाने का काम भारत ने किया है। आपको पता होना चाहिए कि 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है, क्रिकेट को शामिल किया गया है। और जब पूछा गया कि क्यों क्रिकेट को शामिल किया गया है, तो ये पता चला कि विराट कोहली को जो नेम फेम और जो पॉपुलरिटी है उसको देखते हुए ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया, एक बंदे के कारण, वो विराट कोहली के कारण क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल कर दिया गया। ये कम बड़ी बात नहीं है दोस्तों, और वो भारत का हमारा शेर विराट कोहली। बेल, अगर आज की मैच की बात कीजिएगा दोस्तों, तो इंडियन वुमेन्स टीम बांग्लादेश को पूरी तरीके से 10 विकेट से हरा दिया, 10 विकेटों से मुकाबला जीत लिया है, बांग्लादेश को डोमिनेट करके भारतीय टीम हराई है। सैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है, और स्मृति मंधाना की अगर आप बात कीजिएगा दोस्तों, तो कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रही है स्मृति मंधाना। उनका मंधाना की अगर आप 10 लास्ट इनिंग की बात कीजिएगा, तो 117 रन, 136 रन, 90 रन, 149 रन, ये सब ओडीआई में आया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद आप टी20 का सुनिए, 46 रन, 54 रन, 45 रन, 55 रन, ये टी20 का है। आज भी नॉट आउट रही है 55 रन बना करके। और सैफाली वर्मा भी, हमारा जो वीरेंद्र सहवाग का पदवी था इंडियन मेंस टीम में, वही पदवी सैफाली वर्मा ने अपनाई हुई है इंडियन वुमेन्स टीम में, और क्या बल्लेबाजी करती है भाई, बॉलर को धागा खोल कर रख देती है। और स्मृति मंधाना तो मारती भी है और पता भी नहीं चलने देती है कि मैं मार रही हूँ, गजब की बल्लेबाजी देखने को मिला। मैन ऑफ द मैच के रूप में रेणुका सिंह ठाकुर को मैन ऑफ द मैच दिया गया है एशिया कप के सेमीफाइनल में। और रेणुका सिंह गेंदबाजी की अगर आप बात कीजिएगा, 4 ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट हासिल किया है। और रेणुका सिंह ठाकुर अभी श्रीलंका में एशिया कप खेल रही है, और रेणुका सिंह के घर में ओकेजन है, भाई का उसका शादी था 20 जुलाई को, लेकिन वो शादी अटेंड नहीं की और पहले देश का प्रायोरिटी दी। इस लड़की पर गर्व होना चाहिए सारे भारतवासियों को, जो अपने भाई का शादी छोड़ करके भारत के लिए क्रिकेट खेला है। जी हाँ दोस्तों, और भारत डोमिनेट करती हुई नजर आई है इस टूर्नामेंट में भी, और आगे भी करती रहेगी, फाइनल में पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि फाइनल जीत पाती है कि नहीं जीत पाती है भारत। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय टीम खेल रही है, जितने प्लेयर फॉर्म में है भारतीय वुमेन्स टीम की, कोई भी टीम सामने आएगी उसको बुरी तरीके से हरा देगी। पाकिस्तान से मुकाबला हो, फिर भी श्रीलंका से हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी टीम को डोमिनेटिव पॉलिसी अपना करके भारत हराएगी। भारत अभी क्रिकेट के जगत के सबसे बड़े सितारे हो गए हैं, टेस्ट हो, वनडे हो, टी20 हो, सभी फॉर्मेट में नंबर वन टीम बनकर उभरी है भारत की, वुमेन्स टीम हो या फिर मेंस टीम हो। बहुत अच्छा बल्लेबाजी, बहुत अच्छा गेंदबाजी और बहुत अच्छा कैप्टेंसी कर रही है अभी हरमनप्रीत कौर, शानदार टीम का परफॉर्मेंस है। और इसी तरीके से भारत आगे बढ़ते रहे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।